कहां से आए दलित और अनुसूचित शब्द? अभिनव चंद्रचूड़ की किताब में है जिक्र। वकील अभिनव चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के हैं बेटे। हमारे देश की राजनीति में दलित और अनुसूचित शब्द का इस्तेमाल खूब किया जाता है। हर पार्टी ये दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे वो दलित यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ही जी रहे हों, लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर ये शब्द कहाँ से आए? दलित और अनुसूचित शब्द का पहली बार कैसे और कहाँ इस्तेमाल हुआ था, इसके लिए आपको इतिहास की पन्नों के बजाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ की एक किताब पढ़नी होगी। इस किताब का नाम दिस शीट्स आर रिजर्व कास्ट कोटा एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। द क्विंट के मुताबिक अभिनव चंद्रचूड़ की लिखी इस किताब के एक छोटे से हिस्से में उन्होंने रिजर्वेशन की हिस्ट्री खोजने की कोशिश की है, जिसमें यह बताया गया है कि रिजर्वेशन पाने योग्य जाति समूहों की पहचान कैसे की गई थी, साथ ही पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग शब्दों का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ था, वहीं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कैसे विकसित हुए। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि दलित शब्द का इस्तेमाल कहां से शुरू हुआ था। द क्विंट में लिखे इस किताब के अंश के मुताबिक भारतीय संविधान में दलित शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन समाज में ये वर्ड काफी लंबे समय से प्रचलन में है। द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक JNU प्रोफेसर विवेक कुमार के मुताबिक दलित शब्द का जिक्र सबसे पहले 1831 की मोल्स वर्थ डिक्शनरी में मिलता है। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने इस शब्द का खूब इस्तेमाल किया था। वहीं 1929 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी अपनी एक कविता में दलित शब्द का इस्तेमाल किया था। 1928 में इंडिया के पिछड़े समुदायों की पहचान के लिए बॉम्बे सरकार ने एक समिति का गठन किया। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर भी शामिल थे। इस समिति की रिपोर्ट 1930 में सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में पिछड़े समुदाय की पहचान तीन भागों में की गई थी। पहला अछूत जातियाँ यानी शोषित वर्ग, दूसरा जंगल या पहाड़ों में रहने वाले समुदाय और तीसरा अन्य पिछड़ा वर्ग। 1933 में बॉम्बे सरकार ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार किया। उसी के आधार पर अनुसूचियाँ तैयार की गई, जिसमें पहली अनुसूची में अछूत जातियों को रखा गया था। दूसरी अनुसूची में पहाड़ों या जंगलों में रहने वाले 29 जनजातियों यानी आदिवासियों को जगह दी गई। वहीं पहली अनुसूची पहली दो की तुलना में सबसे लंबी थी, जिसमें 125 जातियों को रखा गया। उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग कहा गया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 1930 में पहली बार अनुसूचित शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।